नमस्कार, स्वागत है आपका डीपी के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अदिति। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले ने पूरे देश का ध्यान खींचा। इस घटना में 23 जवान शहीद हो गए तो वहीं कई जवान घायल भी हुए और कई लापता हुए। इस हमले में शनिवार को हुई इस मुठभेड़ में नक्सली भी मारे गए। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया गया पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का कमांडर हिडमा। इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कौन है ये मास्टरमाइंड हिडमा। पुलिस को पिछले कुछ दिनों से बीजापुर और सुकमा जिले के जोनागुड़ा, टेकलगुडम और जीरा गांव में हिडमा और उसके साथी नक्सलियों के जमा होने की जानकारी मिली थी। राज्य की पुलिस ने हिडमा को पकड़ने के लिए मिशन लॉन्च किया। शनिवार को डीआरजी, एसटीएफ और एसआरपीएफ के बहादुर जवान नक्सली कमांडर हिडमा के कोर एरिया में घुसे। हिडमा की बटालियन नंबर 1 आधुनिक हथियारों से लैस रहती है। हैवी फायरिंग में जवान फंसे और 23 शहादतों का दुख अब प्रदेश झेल रहा है। पुलिस का दावा है कि 12 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। घटना के बाद मिले इनपुट साझा करते हुए बस्तर रेंज के आईजी ने बताया कि हिडमा की मौजूदगी की जानकारी मिली। मुठभेड़ के दौरान मारे गए नक्सलियों के शव को 3 ट्रैक्टरों में भर कर ले भागे। हिडमा की सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हिडमा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का बड़ा नक्सल लीडर है। 4 साल पहले सुकमा में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार में उसे गोली लगी थी, लेकिन वो बच गया। उस पर 25 लाख रुपए का इनाम भी है। हिडमा बस्तर का रहने वाला इकलौता ऐसा आदिवासी है जो नक्सलियों की सबसे खूंखार बटालियन को लीड करता है। बाकी सभी लीडर आंध्र प्रदेश मूल के हैं। इससे पहले सुकमा के भेजी में हुए हमले के पीछे भी हिडमा ही था। इसमें सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे। 2013 में झिरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए हमले में भी हिडमा था। इस हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 30 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2010 में चितलंगार के करीब ताड़मेजला में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत के पीछे भी हिडमा का हाथ था। हिडमा का पूरा नाम मांडवी हिडमा उर्फ इदमुल पोडियाम भीमा है। वे सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके के पुड़ती गाँव का है। अनपढ़ होने के बावजूद वो न सिर्फ फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है बल्कि कंप्यूटर की जानकारी भी रखता है। उसे गुरिल्ला वार में महारत हासिल है। हिडमा ने 2 शादियां की है। इसकी पत्नियां भी नक्सल गतिविधियों में हैं। हिडमा के 3 भाई हैं। इनमें से मांडवी देवा और मांडवी दुल्ला गांव में खेती करते हैं। तीसरा मांडवी नंदा गांव में नक्सलियों को पढ़ाता है। हिडमा की बहन भीमे दोरनापाल में रहती है। बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने के लिए हिडमा का खात्मा अब जरूरी हो गया है। सुकमा जिले के कसालपाड़ के जंगलों में करीब 1 साल पहले नक्सलियों और जवानों के बीच आमने सामने की भीषण मुठभेड़ हुई। 5 घंटे की गोलाबारी में डीआरजी और एसटीएफ के 17 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त सर्चिंग से लौट रही फोर्स को नक्सलियों ने कोराज डोंगरी के पास घेरा। फोर्स तब भी नक्सली नेता हिडमा को मारने गई थी। एनआईए के डेटाबेस के मुताबिक हिडमा की उम्र अब 51 साल के आसपास है। शनिवार को हुई ताजा मुठभेड़ के बाद बीजापुर पुलिस की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया। इस आधिकारिक बयान में कहा गया कि कई सालों से दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, जो कि नक्सलियों का एक बड़ा संगठन है, इसके पीएलजीए बटालियन नंबर 1 को ताकतवर गुरिल्ला फोर्स के रूप में नक्सली इस्तेमाल करते हैं और इसका कमांडर है मास्टरमाइंड हिडमा। नक्सलियों की ये बटालियन लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर गांव वालों की हत्या कर उन्हें डराने का काम करती है। अगर बस्तर में नक्सल समस्या समाधान करना हो तो बटालियन नंबर 1 के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना अब जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपी के न्यूज़।